नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव देश पर, दुनिया पर, काल चक्र पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है और उसकी गणनाएं हम करके कोशिश करते हैं ये जानने की कि क्या कुछ घटने वाला है आने वाले समय में, कैसे चीजें बहुत अच्छी होंगी, कैसे चीजों में थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी घटनाएं देश और दुनिया में घटित हो सकती है। सारी जानकारी हमें मिलती है ग्रहों के राशि परिवर्तन के प्रभाव को चेक करने पर। और जब बैक टू बैक कोई राशि परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई हिडन इक्वेशंस देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट हमें देश और दुनिया में देखने को मिलते हैं। इस बार भी कुछ इसी तरह की इक्वेशंस यहां पर देखने को मिलेंगी। देखिए, सूर्यदेव अभी करंट समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव का मेष राशि में बैठना महापराक्रमी राजा के तौर पर काउंट किया जाता है। इसीलिए ये जगह, ये स्थान और इस समय सूर्यदेव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब सूर्यदेव यहीं पर विराजमान रहे तब बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे। 10 मई 2024 को बुधदेव राशि परिवर्तन करके मीन से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर 4 दिन सूर्य और बुध की युति बनेगी, जिसे बुधादित्य योग कहा जाएगा। और उसके बाद सूर्यदेव यहां से निकल जाएंगे और सूर्यदेव मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है। ऐसे में सूर्यदेव जब तक यहां पर बैठे हैं तब तक तो वो अपना काम कर ही रहे हैं। सूर्य के जाने के बाद भी वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बुध को देकर के जाएंगे और बुध के पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई देता। इसी वजह से यह समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, खासकर ये 4 दिन 11, 12, 13 और 14, ये 4 दिन जो हैं, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ नया रास्ता निकाल के देंगे, कुछ नए आप कह सकते हैं कि परिवर्तन और पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप सभी जहां कहीं पर भी अटके हुए हैं आज की डेट में, उस ब्लॉक को खोलने में ये 3 से 4 दिन आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। तो जितना फायदा उठा सकते हैं इन 3 से 4 दिनों का तो आप सभी जरूर उठा लीजिएगा। इसके बाद जब सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। तो अब हम पहले जानते हैं कि मीन राशि से निकल करके बुध देव जब मेष में आते हैं तो क्या काम करते हैं और सूर्यदेव वृषभ में जाकर के किस तरह से रिजल्ट देते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कहते हैं कि जब जब मेष राशि में बुध देव आते हैं तो पैसों को लेकर के काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, व्यापार में वृद्धि के रास्ते खुलते हैं और जॉब में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं, प्रॉस्पेरिटी दिखाई देती है, काम बनता और आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए अगर आप सभी का काम बहुत ज्यादा अटक अटक के चल रहा था, रास्ते नहीं बन पा रहे थे, तो बुध का ये राशि परिवर्तन आपके कामों को तो आसान बनाएगा ही बनाएगा, इस तरह की योग बनते हैं। सूर्यदेव जब मेष में बैठते थे तब कहा जाता था कि जनता सुख के रास्तों पर चलना शुरू करती है, जनता सुख को भोगना शुरू करती है, वही सुख जो है वो बुधदेव भी कंटिन्यू करते हुए ही नजर आएंगे। तो सूर्य जो काम अधूरे छोड़ के गए थे उसे पूरा करने का काम भी बुध करेंगे, इसी वजह से इस हाउस में बहुत अच्छे परिणाम देश और दुनिया में दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति नए उद्यम, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, जॉब में परिवर्तन करना चाहता है, शादी से संबंधित कोई कार्य करना चाहता है, अपने जीवन में नए रास्तों पर आगे बढ़ना चाहता है, तो यह समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय बन जाता है। अब यह समय कितना है, 10th ऑफ मई से शुरू होगा और 30th ऑफ मई तक यह समय रहेगा। 20 डेज आपके पास पूरे हैं जहां पर आप अपने जीवन में आए हुए ब्लॉकेजेस को खत्म कर सकते हैं और अपने इस रास्ते को और अच्छा बनाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ कहा जाता है कि खर्चे थोड़े से बढ़ते हैं। देखिए पैसा आएगा तो खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय यहां पर नहीं दिखाई देती, तो खर्चों का तो प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में गिरावट के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। इसी वजह से 20 डेज में एक बार तो डाउन ट्रेंड मार्केट आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। इस तरह के योग बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बनते हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि नुकसान उठाना पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ी सी नाजुक होते हुए दिखाई देती है और शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को नुकसान देखने को मिल सकता है, भ्रम आपके आसपास देखने को मिल सकता है, सही समय पे सही मूवमेंट आप न ले पाए, इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा और अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव जब राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे तो किस तरह से अपने रिजल्ट को बनाते हुए नजर आएंगे। देखिए सूर्यदेव जब वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं तो बहुत सारी इक्वेशंस बन रही हैं और बहुत सारी इक्वेशंस कैसे बन रही हैं पहले वो समझिए। सूर्य और गुरु का कंजक्शन देखने को मिलेगा, कुछ समय के बाद शुक्रदेव भी आएंगे और सूर्य शुक्र और गुरु की त्रिग्रही योग की युति देखने को मिलेगी और मेष में सूर्य के जाते ही बुध और शुक्र साथ में देखने को मिलेंगे और उसके बाद बुध अकेले हो जाएंगे। काफी ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं ये, आपको शायद थोड़ा सा समझ ना आए, बट सीधा सीधा पॉइंट पे चलते हैं कि सूर्यदेव क्या प्रभाव देंगे। तो सूर्यदेव यहां पर व्यापार विस्तार में जरूर बुध का साथ देंगे और अपने आप को कमजोर नहीं होने देंगे, इसलिए व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापार को आगे ले जाने के लिए यह समय बहुत अच्छा समय दिखाई देता है और इसी वजह से इस समय में बहुत अच्छे परिणाम सभी को देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के योग बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाई देते हैं। यहीं पर प्रतिष्ठित लोगों के लिए यह समय थोड़ा सा परेशान करने वाला रहता है, प्रतिष्ठित लोग बड़े लोगों के लिए यह समय थोड़ा सा विचलित करने वाला रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इस तरह के योग यहां पर देखे जाते हैं। इस वजह से इस समय के दौरान में अगर आप सभी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो बहुत समझ जाइएगा, संभल जाइएगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना देखने को मिले। यह समय रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, वैज्ञानिकों के लिए, किसी तरह के रिसर्चर के लिए इस समय में तो आप कह सकते हैं कि चांदी ही चांदी देखने को मिलेगी, मतलब कि बहुत अच्छे परिणाम रिसर्च सेक्टर में देखने को मिलेंगे। अगर हमारे साइंटिस्ट किसी रिसर्च पर लंबे समय से काम कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल पा रहा तो सूर्य और बुध का ये जो कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिलेगा ये उस रिसर्च को ओपन करता हुआ नजर आएगा। इस तरह की योग यहां पर जरूर बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ यह समय इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा समझदारी के साथ आगे ले जाने का समय है। अगर आप सभी कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, खासकर शेयर मार्केट में तो डबल सोचिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान देखने को ना मिले। यह समय सरकार की नीतियों के लिए, खासकर सरकार की इनकम को लेकर के नीतियों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं काउंट होता, टैक्स के लिए बहुत अच्छा समय काउंट नहीं होता और इस वजह से सरकार और जनता के बीच में पैसों को लेकर के किसी न किसी तरह का विवाद रहता है। सरकार जनता से कोई डेटा छुपा रही है तो वो डेटा बाहर निकल के आता है जिससे जनता और ज्यादा नाराज होती है और काफी सारे देशों में आप कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति बनेगी जहां पर सरकार का विरोध किया जाए, सरकार को अनस्टेबल समझा जाए, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। जॉब करने वालों के लिए मैं जरूर कहूंगा कि काम का बोझ बढ़ते हुए नजर आएगा, काम बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और काम को लेकर के आपको बहुत ज्यादा संयम रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ये समय एक तरह से आप सभी को अग्रेसिव भी करेगा और परेशान भी करेगा, इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इस समय में ईस्टर्न कंट्रीज को थोड़ा सा समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ईस्टर्न कंट्रीज में किसी तरह का कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है और मिडिल ईस्ट के देशों में, भारत में भी, मध्य प्रदेश के आसपास के जगहों पर थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है और कोई बड़ी आपदा, कोई बड़ा कह सकते संघर्ष या फिर सरकार को लेकर के कोई बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। अदरवाइज काम के लिए, मेहनत के लिए और रिसर्च के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा उत्तम समय है। इस समय का फायदा आप सभी भी जरूर उठाने का प्रयास करें।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।